हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज रात क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स को आज हम देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। ध्यान रखिएगा कि जो रीडिंग करती हूँ ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ठीक है, और साथ ही साथ जो भी एनर्जीज यहाँ पे आएंगी उसको क्लेम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप एनर्जी एक्सचेंज के रूप में आपको करना बस ये है कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और साथ ही साथ कम से कम दो लोगों को शेयर करना है ये वेरा वीडियो। ठीक है, ताकि कम से कम सिर्फ दो लोगों की ही हेल्प हो, लेकिन हेल्प हो, और वो लोग भी जो है दो लोगों को शेयर करेंगे। ठीक, तो एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। नहीं करते हैं तो आपका कर्मा जो है ना, कहते हैं ना कि हम अपने कर्म से अपना भाग्य बनाते हैं, तो वही है कि आप जो है थोड़ा सा कर्म कीजिए कि आपके जो भी रुकावटें हैं वो खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन हमें प्लीज गाइड करें। ओके, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं इनके बारे में, मैं आपकी भी फीलिंग्स को बताऊंगी, आपकी भी क्या थॉट्स को बताऊंगी, लेकिन वीडियो के बाद में, मतलब आपके पार्टनर के, है ना, आपके पार्टनर की एनर्जी के बाद। ओके, सो चलिए करते हैं। डिवाइन हमें प्लीज गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लिए मुझे गाइड करें। मैच्योरिटी का कार्ड है, एंड आप सबको बता दो कि ये चैनल का नाम बदल चुका है, हार्टफिल टैरो हो चुका है, तो आज से हम इसी चैनल पे देखेंगे। ओके, डिवाइन हमें प्लीज गाइड करें। ट्रस्ट का कार्ड है, हार्मनी का कार्ड है, द बर्डन, ओके, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक है पार्टिसिपेशन, ओके, मोरालिटी का कार्ड। सो ऐसा मुझे फील हो रहा है कि किसी किसी की यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या फिर मैरिज को लेकर के प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स हैं ये अरेंज मैरिज को दिखा रहे हैं। ठीक है, अरेंज मैरिज को दिखा रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं आप दोनों का जो रिलेशन है ये इसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, या तो जो है आपके पार्टनर जो है कहीं कमिटेड हैं, यानी कि इन्होंने अपनी फैमिली से वादा कर दिया है, या ये पर्सन पहले से ही कमिटेड थे लेकिन आपको बताया नहीं था इस पर्सन से जो आप डील कर रहे हो, या फिर ये भी चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं कि आपके जो पार्टनर है ये ऑलरेडी मैरिड हैं। ठीक है, और ये इनकी शादी जिनसे भी हुई है वो अरेंज मैरिज की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है, और इसकी वजह से मतलब अरेंज मैरिज भी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर खुश नहीं हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ओके, चलिए बात करते हैं कार्ड्स की। तो कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि आपके जो पार्टनर है ना, देखिए है तो बहुत मैच्योर ये पर्सन, जिनसे भी आप डील कर रहे हो बहुत मैच्योर है, बहुत हर एक चीज़ को काफ़ी समझते हैं, काफ़ी डीपली समझते हैं, या वजह को जानने की कोशिश करते हैं, आपने इनको क्यों बोला या क्या वजह रही, वो सारी चीज़ें आपके पार्टनर जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये पर्सन जानते हैं कि आपको कुछ इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं कि जैसे कहते हैं ना कि
कि आपके खूबसूरत से मन को कहीं ना कहीं इस पर्सन ने घायल कर दिया है, आपके खूबसूरत मन को इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया है, आपके खूबसूरत से मन को इस पर्सन ने इतना ज़्यादा पेन दिया है कि ये पर्सन को भी आइडिया नहीं लग रहा है कि ये पेन मेरा मतलब मुझे ही क्यों मिल रहा है या मैंने क्यों दिया है उसे। ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं कि इन्होंने जो भी किया है ना, इनसे गलती हुई है। ये पर्सन मान रहे हैं कि इन्होंने गलती करी है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं, ये पर्सन बहुत मैच्योर लेवल पे सोच रहे हैं, बहुत इमोशनल होकर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत इमोशनली जो है ये पर्सन आपसे कनेक्ट है। एंड ये पर्सन की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन वाकई में बहुत ज़्यादा डीप लेवल में सोच रहे हैं कि इन्होंने आपको किस तरीके से परेशानी दी है। ओके, एंड मुझे ये भी फील होता है कि आपका आपके पार्टनर के साथ जो बदलाव है, जो रिलेशनशिप में एक बड़ा बदलाव मैं देख पा रही हूँ, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जो है एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा बढ़ी हैं, इतनी ज़्यादा बढ़ी हैं कि आपके पार्टनर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर के अंदर मुझे वो तकलीफ़, वो दर्द, वो एनर्जी मुझे काफ़ी दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिखता है जैसे कि आपके पार्टनर आपको कभी भी, है ना, कभी भी ये पर्सन पूरे तरीके से आपको संतुष्ट नहीं कर पाए, या पूरी तरीके से ये पर्सन आपको कह सकते हैं कि अपनी चीज़ों की वजह से या अपने प्रॉब्लम की वजह से, है ना, आपको भी प्रॉब्लम में डालते गए ये पर्सन। ठीक है, चाहे जानकर डाला चाहे अनजाने में डाला, बट इस पर्सन ने ऐसी चीज़ें करी हैं जिससे लेकर के जिसको लेकर के आपके मन में कहीं ना कहीं इनके लिए गुस्सा भरा पड़ा है। आपके पार्टनर को ये पता है कि आप अपने पार्टनर के ऊपर बहुत गुस्से में हो, बहुत गुस्से में हो, और आपका ये गुस्सा जिस दिन निकलेगा ना, आपके पार्टनर को पता चलेगा कि क्या है। ठीक है, ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, ठीक है, मैच्योरिटी का कार्ड डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, क्यों है मैच्योरिटी का कार्ड। ओके, स्ट्रेंथ, देखो ये पर्सन की एनर्जी क्या बता रही है कि ये पर्सन जानते हैं कि आपने जितना बर्दाश्त किया है उतना बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात नहीं है। हर किसी को ये पर्सन वैसा जख्म अगर दे के देखे तो इनको पता चलेगा कि कौन कैसे हैंडल करता है और कौन कितना ज़्यादा बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि ये पर्सन की एनर्जी ऐसी बताती है कि इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है। देख रहे हो, फाइव ऑफ कप्स का कार्ड आया है, देखो फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर ये समझ में, ये बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि इस पर्सन ने कितना ज़्यादा आपको तकलीफ दी है, कितना पेन दिया है आपको, कितना कितना प्रॉब्लम है इस पर्सन ने डाला है। ये पर्सन को पता है, भली भांति पता है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर के दुखी पर्सन बन चुके हैं, दुखी इंसान बन चुके हैं। ये पर्सन के अंदर दिख रहा है स्ट्रेंथ की एनर्जी, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जो कि बताती है कि आपके पार्टनर अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं आपका सामना करने के लिए। देखिए, ये पर्सन बहुत सोच विचार करने के बाद से ये पर्सन को ये ज़रूर फील हो रहा है कि वाकई में इस पर्सन ने आपको मतलब दिल से दुखी किया है। आपके आपका जो एक एक आंसू निकला है ना, वो दिल से निकला है, दिल से रोते हुए आप मुझे दिख रहे हो। आपके कॉल का, आपके मैसेज का आपके पार्टनर ने इग्नोर कर दिया, आपको किसी ना किसी रीज़न की वजह से, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से इस पर्सन ने आपको ब्लेम किया। ठीक, तो कहीं आपके पार्टनर ने अपने साथ भी सही नहीं किया और ना ही आपके साथ सही किया। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रही हैं कि आपके पार्टनर के ऊपर थोड़ा सा इसका, है ना, इफेक्ट ज़्यादा पड़ रहा है। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, ट्रस्ट की एनर्जी क्यों है, ट्रस्ट की एनर्जी क्यों है, डिवाइन हमें गाइड करें। ओके, ज़्यादा कार्ड से देखिए, ये पर्सन की एनर्जी बताती है कि अब जो हो रहा है, जो भी हुआ है ना, ये अब जो है ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। द फूल, यहाँ पे भी एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ठीक है, तो ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो भी आपके पार्टनर कर रहे हैं ना,
ये अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड है। यहाँ पे जो भी हो रहा है, जैसे भी हुआ है, ये टोटली अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है एट ऑफ वांड्स, है ना, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। नाइट ऑफ सॉर्ड्स काफ़ी क्लियर बताता है कि आपका आपके पार्टनर के साथ जो रिश्ता है ना, इस रिश्ते को आगे लेके जाने के लिए आपके पार्टनर ईश्वर के ऊपर सब कुछ समर्पित कर चुके हैं। ये पर्सन के अंदर अब बात करने की हिम्मत भी नहीं है, इसलिए ये पर्सन जो है ना, अपने आप को कह सकते हैं कि अपने आप को उस दुविधा में, उस एनर्जी में डाल चुके हैं जहाँ से ये पर्सन निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन की एनर्जी बताती है कि पर्सन अपने आप में कहीं ना कहीं बिजी हैं, अपने आप में कहीं ना कहीं ये जो है बातें करते हुए दिख रहे हैं, अपने आप में कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड मुझे ये भी फील होता है कि आपके पार्टनर को आपका जो प्यार है, आपकी जो फीलिंग्स है ना, वो थोड़ा सा होती है ना, स्टेबिलिटी चाहिए आपकी लाइफ में, तो स्टेबिलिटी आपके पार्टनर आपको दे नहीं पा रहे हैं, प्रॉब्लम ये हो रही है, ठीक है। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, ओके, जजमेंट की एनर्जी आई है, ओके। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच की जो फीलिंग्स है ना, आपके और आपके पार्टनर के बीच की जो इमोशंस है ना, मुझे यहाँ पे यही दिख रही है, एस ऑफ रॉड का कार्ड है, ठीक है। एस ऑफ रॉड की एनर्जी है जो कि मुझे बताती है कि देखिए, आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करके इस रिश्ते को बहुत पॉजिटिव वे में लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि न्यू बिगनिंग करके बहुत पॉजिटिव वे में लेके जाना एंड सारी चीज़ों को करना, आपके पार्टनर के अंदर वो मुझे दिख रहा है, आपके पार्टनर के अंदर वो पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है। आपके पार्टनर अब जो है एक तरीके से, जिस तरीके से इनको एहसास हो रहा है ना अपनी गलती का, जैसे कि ईश्वर के सामने ये पर्सन गिड़गिड़ा रहे हैं कि इन्होंने जो किया गलत किया है ना, और इनको उसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए, सज़ा मिली है और आगे भी मिलती रहेगी, इनको ऐसा लगता है, इसलिए ये पर्सन जो है ना माफ़ी मांगते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन की क्लियर सी एनर्जी है कि ये पर्सन माफ़ी मांग रहे हैं, और हो ना हो ये पर्सन मतलब अलग सा फील कर रहे हैं, अलग सी वाइब फील कर रहे हैं, अलग सी एनर्जी को फील कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक। तो मुझे ऐसा फील होता है कि आपका आपके पार्टनर के साथ जो भी रिश्ता है, इस रिश्ते में कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स आए हैं, कहीं ना कहीं चैलेंजेस आए हैं जो कि आपके पार्टनर फेस करते हुए दिख रहे हैं। एंड मुझे ये भी दिखता है कि ये पर्सन अब हार्मनी चाहते हैं, यानी कि आप दोनों के रिलेशन में ना एक जो कहते हैं ना कि खुशियों की कमी जो हो गई थी, जो खुशियाँ जो है वो मतलब बिखर गई थी, तो वो खुशियाँ जो है अब आपके पार्टनर लाते हुए अपनी ज़िंदगी में है ना दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है ऐसे कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से, ओके। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। द बर्डन की एनर्जी क्यों है डिवाइन, ओके। टेन ऑफ रॉड, सेम एनर्जी निकल के आई है, द बर्डन एंड टेन ऑफ रॉड सेम एनर्जी है, एकदम सेम है, ठीक। यानी कि आपके जो पार्टनर है ना, लोगों को खुश करते करते खुद ही दुखी हो चुके हैं, यानी कि लोगों की खुशियों के लिए अपनी खुशियाँ मैनेज करना है ना, अपनी खुशियों को कहीं ना कहीं रोक देना कि चलो ठीक है, उनकी खुशियाँ हम पहले पूरा करते हैं, हमारा क्या है, हम तो बाद में देख लेंगे अपना, है ना। तो वो सिस्टम मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। एम्प्रेस का कार्ड काफ़ी क्लियर बता रहा है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में देखो थर्ड पार्टी को लेकर के ही प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, थर्ड पार्टी को लेकर के ही प्रॉब्लम है। ये देखो बॉटम ऑफ द डेक टू ऑफ सोर्ड्स, सेम एनर्जी, आपके पार्टनर का मन दुखी है क्योंकि ये पर्सन थर्ड पार्टी और आपके बीच में कंफ्यूजन में है, क्या करे ये पर्सन, कैसे मैनेज करे, कैसे आपको संतुष्ट करे, कैसे जो है आपके लिए क्लैरिटी लेकर के आए, कैसे आपके लिए डिसीजन लेके आए, ये पर्सन की फीलिंग्स हैं, ठीक है। ये पर्सन सोच रहे हैं कि मैं थर्ड पार्टी की वजह से अपनी खुशियों को कहीं ना कहीं बर्बाद कर चुका हूँ, है ना, मैं इस रिश्ते में रह करके परेशान हो चुका हूँ, क्योंकि थर्ड पार्टी का जो है बर्डन आपके पार्टनर के ऊपर है, और इनको जहाँ रिलैक्स फील होता है, जहाँ पे लगता है कि ये मेरा अपना है, इससे मैं सब कुछ शेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो दूर है, वो दूर है, बहुत दूर है।
तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें दिख रही हैं जो कि दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन ये पर्सन के अंदर मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अपने फीलिंग्स या अपने जो दर्द है ना उसको ये पर्सन मेंटेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर के अंदर दिखता है कि आपके पार्टनर अपने आप में कहीं ना कहीं रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी फीलिंग्स या अपने इमोशंस को रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये पर्सन की एनर्जी काफ़ी क्लियर बताती है कि ये पर्सन आपको लेकर के काफ़ी श्योर हैं, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर का मुझे ये भी फील होता है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी या कहीं ना कहीं पॉजिटिव सा इमोशंस, पॉजिटिव सी फीलिंग्स, पॉजिटिव सा एक जो कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी आपसे मिलती है। ये पर्सन को ना कि अपने घर में या जो भी थर्ड पार्टी है उसे कोई इनको पॉजिटिविटी नहीं मिलती है, इसलिए ये पर्सन क्रॉस रोड पे खड़े हैं, क्योंकि इनको डिसीजन लेना है, इनको जस्टिस करना है, और वो भी आपके लिए, अपने लिए करना है, ठीक है। ओके, सो ये पर्सन को ये भी लगता है कि इस पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। ब्लैक मैजिक, यस, ब्लैक मैजिक का असर मुझे दिख रहा है, ब्लैक मैजिक का असर मुझे दिख रहा है। एंड मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप में कहीं ना कहीं इस तरीके से परेशान है, इस तरीके से जो है ये पर्सन के अंदर दिख रही है जो चीज़ें, मतलब एक होता है ना कि हाँ रिलेशनशिप अच्छा होता है तो हमें सोचना नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में हो सकता है कि इनके बच्चे भी शामिल हो, इनके बच्चे हो, इनकी वाइफ हो या इनका हस्बैंड हो, जो भी हो, है ना, या ये पर्सन जिससे भी कमिटेड है कहीं ना कहीं बच्चों से रिलेटेड, या फिर ये पर्सन खुद ही जो है ऐसा कभी कभी बोलते हैं जैसे कि लगता है कि ये पर्सन मैच्योर नहीं है, ठीक है, कुछ भी कहो ये पर्सन मैच्योर नहीं है। कभी कभी ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी आती है आपको अपने पार्टनर से, ठीक है। ओके, डिवाइन हमें प्लीज गाइड करें। ओके, हेरोफेंट की एनर्जी आई है। यस, आपके पार्टनर को कंफर्म लगता है इस पर्सन ने किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी टैरो कार्ड रीडर, किसी साइकिक रीडर से यहाँ पे पूछा है कि इनके ऊपर ब्लैक मैजिक है क्या, इनके ऊपर ब्लैक मैजिक है क्या, और इनको पता चला है कि हाँ इनके ऊपर ब्लैक मैजिक है, और आप दोनों को अलग करने के लिए ब्लैक मैजिक का यूज़ किया गया है। और आपके पार्टनर को जब से पता चला है तब से ये पर्सन बहुत उदास है, बहुत उदास है। ये पर्सन अंदर से अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा कारनामा जो है आपके पार्टनर को लगता है कि थर्ड पार्टी का है, क्योंकि थर्ड पार्टी को पैसे चाहिए या थर्ड पार्टी को अपनी जो है कामनाओं की पूर्ति करनी होती है, इसलिए इनको, है ना, इसलिए आपके जो पार्टनर है ना वो थोड़ा सा अपने आप को, है ना, वो कहते हैं ना कि अपने आप को अकेलापन फील कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप में कहीं ना कहीं अकेलापन फील कर रहे हैं। और आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर श्योर है कि ये ब्लैक मैजिक किसने किया है, ठीक है, क्योंकि ये जब पर्सन जो है ना, जब उस पर्सन का नाम सुनते हैं या उस पर्सन के ऊपर डाउट करते हैं तो इनका मन दुखी हो जाता है कि क्यों यार, मुझे भी ज़िंदगी जीने का हक है, मुझे भी अधिकार है कि मैं अपनी ज़िंदगी जी सकूँ, भले ही मेरी शादी या फिक्स हो गई है या मेरी शादी हो चुकी है और मैं उसमें खुश नहीं हूँ, तो मैं खुशियों को अपनी अपना सकता हूँ। लेकिन वही है कि आपके पार्टनर के अंदर वही डर और वही तकलीफ आती हुई दिखाई दे रही है। अगला कार्ड आप लोग देख रहे हो, गिल्ट का कार्ड है, एकदम क्लियर दिख रहा है ना आपके कार्ड में कि आपके पार्टनर के अंदर वो गिल्ट सी एनर्जी, गिल्ट सा जो है प्रॉब्लम, गिल्ट सी एनर्जी, मतलब एक ऐसा लगता है जैसे कि आपका जो रिश्ता है ना वो गिल्ट से भरा पड़ा है, ठीक है। जहाँ पे आपको कोई सक्सेस नहीं मिल रही है, जहाँ पे आपके पार्टनर को कोई सक्सेस नहीं मिल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। सो यस, देखिए आपके पार्टनर को बहुत गिल्ट फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा गिल्ट फील, ठीक है। ये पर्सन आपको खो करके बहुत पछता रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी जो थी बहुत 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 हाई थी। यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपसे लड़ाई झगड़े भी हुए हैं, आपने बोला इनको कि तुम मुझे मत छोड़ो या तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, लेकिन इस पर्सन ने नहीं माना। इस पर्सन की एनर्जी ही ऐसी थी कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ मैनेज नहीं कर सकता, या तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, हमारा तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ इस प्रकार की एनर्जी रही है आप दोनों की। एंड आप दोनों ही अपने आप में कहीं ना कहीं इतने बिजी रहे हो कि आप दोनों अपने अपनी फीलिंग्स या अपने इमोशंस के साथ मैनेज नहीं कर पाए, ठीक। मुझे ऐसी भी वाइब दिख रही है कि नहीं,
अब जो है ना ये चीज़ें जो भी हो रही हैं ये अनएक्सपेक्टेड हो रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आपकी वाइब ऐसी रही, ठीक। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि नो 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 नो, है ना। लेकिन यहाँ पे ये दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर के अंदर वो गिल्ट फील हो रहा है कि इन्होंने ऐसे वर्ड्स का यूज़ क्यों किया, इन्होंने ऐसी चीज़ें क्यों करी, इन्होंने ऐसी बातें क्यों बोली आपको। तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रही है, ठीक है। तो ये है कार्ड में आपके पार्टनर की एनर्जी में। अब मैं देखूँगी आपकी एनर्जी, यानी कि आप क्या सोच रहे हो, ठीक है। और ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर जाती है, आपके थॉट्स वाली, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप इसे पर्सनल रीडिंग की तरह ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके, चलिए मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताइए प्लीज़। डिवाइन हमें गाइड करें, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, ओके ओके, ठीक है। ओके, करेज, कंप्लीशन का कार्ड है, बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है, कंट्रोल, ओके, सॉरो, बॉटम ऑफ द डेक, क्लींजिंग टू द पास्ट। देखो, आपको ऐसा लगता है ना, आपका जो रिलेशन है, ठीक है, आपका जो रिश्ता है, इसको आप पास्ट लाइफ कनेक्शन मान चुके हो। इस कनेक्शन को आप पास्ट लाइफ कनेक्शन मानते हो, क्योंकि आपको लगता है कि इस पर्सन के साथ आपका कुछ ना कुछ जुड़ा ज़रूर है, आपका कर्मा हो या कुछ और हो, बट जुड़ा ज़रूर है। यहाँ पे ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे मैं देखूँ तो आपका कनेक्शन कुछ इसी प्रकार से दिख रहा है, आपकी वाइब कुछ इसी प्रकार से दिख रही है, आपकी एनर्जी कुछ इसी प्रकार से दिख रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत पॉजिटिव सा इमोशंस है, बहुत ही पॉजिटिव सी वाइब है। एंड मुझे ये भी फील होता है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो तो उस कंडीशन में है ही, लेकिन अभी मैं देख पा रही हूँ कि आप उनके बगैर इनकम्प्लीट फील करते हो। आपका लगता है कि शरीर का आधा हिस्सा उसमें है, आपका मन जो कि चैन से नहीं रहता है, उसमें बिल्कुल भी चैन नहीं होता है, बिल्कुल भी सुकून नहीं होता है। मन में हमेशा आपके पार्टनर की बातें, आपके पार्टनर कहाँ हैं, कहाँ बिजी हैं, किससे बात कर रहे हैं, वो सारी बातें चल रही हैं, क्योंकि आप अपने पार्टनर के बगैर कंप्लीट हो ही नहीं। आपको लगता है कि वो पर्सन मेरी ज़िंदगी में आ जाए ना, तो मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपने बहुत संघर्ष किए हैं अपने जीवन में, बहुत संघर्षमय जीवन रहा है आपका, है ना। और उस संघर्षमय जीवन में आपके पार्टनर आपको मिले थे, है ना, जिसको लेकर के आप बहुत पॉजिटिव हुआ करते थे, बहुत पॉजिटिव हुए, बहुत मतलब लगा कि हाँ चलो ठीक है, इसके साथ हम जीवन अपना बसर करेंगे, जीवन बिताएंगे अपना, ठीक। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स आने लगें, इश्यूज आने लगे। मुझे यहाँ पे यही दिखता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब है ना समझ में नहीं आ रही थी आपको। अब आपके लाइफ में जो है अकेलापन है, खालीपन है, सूनापन है। आप मेहनत कर रहे हो, हालांकि आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो कि आपको इस एनर्जी में या फिर डिप्रेशन में नहीं जाना है, डिप्रेशन आपको नहीं चलना है, डिप्रेशन में बिल्कुल भी नहीं जाना है। आप अपने आप को मेंटेन करोगे, आप अपने आप को पॉजिटिव करोगे, आप अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को पॉजिटिव करोगे। आपका आपके पार्टनर के साथ जो भी है, जैसा भी है रिश्ता है, उसको निभाना पड़ेगा, ठीक। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन मेरे मन में है, मेरे मन में बसा हुआ है, और मैं उसको अपने मन से निकाल नहीं सकती, मैं अपने मन से उसको निकाल बिल्कुल भी नहीं सकती। चाहे मेरे पास हज़ारों लोग हो, लाखों लोग हो, लेकिन वो एक पर्सन मेरे मन में बसा हुआ है,
ठीक है, तो वैसी एनर्जी दिख रही है। हालांकि आप बहुत एफर्ट डाल रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत चीज़ों को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हो। आपको म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है, म्यूज़िक का सहारा बहुत ले रहे हो। म्यूज़िक को लेकर के कहीं ना कहीं आप मतलब आपको ऐसा लगता है कि चलो माइंड डिस्टर्ब हो रहा है तो चलो म्यूज़िक सुन लेती हूँ, मेरा माइंड पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, या आपको अपने पार्टनर की याद आती है तो जो सॉन्ग आप दोनों का फेवरेट सॉन्ग था वो आप सुनते हो। मुझे ऐसी भी वाइब आ रही है, ऐसा लगता है कि आपका आपके पार्टनर के साथ जो कनेक्शन है ना वो डीपली कनेक्शन है, डीपली आप दोनों जुड़े हुए हो, है ना। यहाँ पे आपको बहुत दुख होता है, रात को नींद नहीं आ रही है, बेचैनी होती है, ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको बुला रहे हैं, ऐसा फील होता है आपको कभी कभी। पुरानी बातें जब याद आती हैं रोने बैठ जाते हो कि क्यों ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ चीज़ें क्यों हो रही हैं, मैं क्यों इतना अकेलापन, इतना खालीपन मैं क्यों फील कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि आपका जो मन है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, आपका मन कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। आप मन को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। आपका आपके पार्टनर के साथ जो भी हो रहा है, जो भी हुआ है, ये अनएक्सपेक्टेड रहा है, अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपने बहुत सारी चीज़ें फेस करी हैं और अभी भी फेस करते चले आ रहे हो। आपका जो रिश्ता है ये बहुत दुखमय रहा है, आपको बहुत दुख हो रही है, बहुत तकलीफ़ हो रही है, लेकिन फ्यूचर क्या होगा आइडिया नहीं है आपको, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे टेंशन में यही हो कि ये पर्सन आएगा कि नहीं आएगा, कमिटमेंट आपको देगा कि नहीं देगा, ये भी आपकी बड़ी प्रॉब्लम है। ये बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है कि कमिटमेंट आपको ये पर्सन देगा या नहीं देगा, या ये पर्सन आएगा भी कि नहीं आएगा। तो चलिए कार्ड्स देख ही लेते हैं कि ये पर्सन आएंगे आपकी लाइफ में या नहीं आएंगे। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आएंगे इनकी लाइफ में या नहीं आएंगे। ओके डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे गाइड करें। ओके ओके ठीक है। वाओ, टू ऑफ कप्स, क्या ही कहें अब। रियूनियन होगा आप दोनों का, आपके पार्टनर आएंगे आपकी लाइफ में, नो डाउट। द लवर्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, 100% आएंगे आपके पार्टनर। आपके पार्टनर जो भी हैं एकदम से आपके ऊपर फोकस्ड हैं, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे ही आएंगे। इनकी एनर्जी ही कुछ इस प्रकार से बता रही है कि ये पर्सन आपके बगैर नहीं रह सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। इनकी जो बेचैनी है ना, ये बेचैनी कोई दूर नहीं कर सकता है। इनकी बेचैनी, इनकी बेताबी है ना, ये कोई दूर नहीं कर सकता है आपके सिवा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन आएंगे, नो डाउट, बट ये पर्सन सोच रहे हैं कि फिर से आप कमिटमेंट मांगोगे या फिर से आप कहोगे कि आप मेरे से शादी नहीं करोगे। तो फिर ये पर्सन सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ, मैं मिलना भी चाहता हूँ लेकिन मैं कैसे मिलूँ, मैं उसे कमिटमेंट तो दे नहीं सकता, मैं उसे पूरी ज़िंदगी तो दे नहीं सकता अपनी क्योंकि मैं मजबूर हूँ, है ना। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं ये बातों को लेकर के सोचते हुए दिख रहे हैं, पिछली बातों को लेकर के कि क्यों ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं मेरे साथ, क्यों होता है ऐसा जब मैं जो है नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर वो एक लो वाली वाइब मुझे नज़र आ रही है, लेकिन ये पर्सन के अंदर की एनर्जी देखो, ये पर्सन जो है आगे क्या करने वाले हैं, ये पर्सन मैनिफेस्टेशन करने वाले हैं। ये पर्सन के अंदर वो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है, मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर मुझे। आपके पार्टनर के अंदर वो मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी काफ़ी क्लियरली दिख रही है। आपके पार्टनर मैनिफेस्ट करते हैं, हर दिन मैनिफेस्टेशन करते रहते हैं, हर दिन मैनिफेस्ट वाली एनर्जी है। मैनिफेस्टेशन करना आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे काफ़ी क्लियरली दिखता है। एंड ये पर्सन के अंदर मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर के तो एकदम है ही, ये पर्सन को लगता है कि ये पर्सन आपको पा लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये भी है कि 10 of Swords, फिर से अकेलापन, फिर से खालीपन वही होगा, यानी कि आप दोनों का रियूनियन तो होगा लेकिन मैरिज को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो आप। ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि मैरिज को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, शादी का चांस थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम दिख रहा है, क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी हो सकता है कि मैरिड हैं या कमिटेड हैं,
जिसकी वजह से ये पर्सन नहीं आपके साथ कंटिन्यू कर पाएंगे। हालांकि जस्टिस करना, जस्टिस की एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली बता रही है कि हाँ ये पर्सन जस्टिस करना चाहते हैं और ये पर्सन जस्टिस करके ही आपके साथ अपने रिश्ते को जो है ना निभाना चाहते हैं, या आपके रिश्ते को एक होता है ना कि हाँ कंट्रोल में करना चाहते हैं। ठीक, मुझे ऐसी वाइब या ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर आपको है ना प्रपोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको प्रपोजल देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही साथ ये पर्सन ये भी कहेंगे कि हाँ हम दोनों मतलब थोड़ा टाइम लेते हैं उसके बाद देखते हैं। ठीक है, सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। सो आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो हार्ट फेल्ट टारो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अगर आप चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टारो रीडिंग लेना है ना, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।